सूरत गुजरात राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर को गुजरात की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत गुजरात राज्य का तीसरा ऐसा शहर भी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ये शहर अपने हीरा और कपड़ा उद्योग के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी कारण से शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। शहरी विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर भी है। ये शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से महज 284 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरत दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर 90% हीरो की पॉलिशिंग होती है। इसके अलावा सूरत शहर में स्थित बारडोली सुगर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी सुगर फैक्ट्री भी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सूरत गुजरात का पहला और भारत का आठवां सबसे बड़ा शहर है। लगभग 4418 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए सूरत शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 55 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से सूरत गुजरात का दूसरा और भारत का 12वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। सूरत जिला कुल 9 तालुकाओं में बटा हुआ है, जिनमें ओल्ड मांगरोल, उमरपाड़ा, मांडवी, कामरेज, चौरासी, पलसाना, बारदोली और महुआ शामिल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सूरत शहर में 85% हिंदू, 11% मुस्लिम और 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 87.9% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से सूरत भारत का 54वां और गुजरात का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों वाला शहर भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी स्थान पर रुके थे। उस कालखंड के दौरान इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि शहर की स्थापना 15वीं सदी के दौरान गोपी नाम के ब्राह्मण द्वारा सूर्यपुर के नाम से की गई थी। सन 1512 के दशक के दौरान इस ऐतिहासिक शहर पर पुर्तगालियों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। ये वो समय था जब यह शहर अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। पुर्तगालियों के कालखंड के दौरान सूरत शहर एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। आवागमन के दृष्टिकोण से सूरत शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग शहर के सूर्यपुर गेट इलाके में स्थित सूरत रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई लाइन, सूरत जलगांव लाइन, अहमदाबाद मुंबई लाइन, अहमदाबाद चेन्नई लाइन और हावड़ा अहमदाबाद लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 4 है और 6 रेलवे ट्रैक मौजूद है। 2016 में किए गए भारतीय रेलवे के एक सर्वे के अनुसार सूरत रेलवे स्टेशन भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। सूरत बांद्रा टर्मिनस, सूरत मुंबई सेंट्रल, सूरत जामनगर एक्सप्रेस, सूरत पुरी सुपरफास्ट और सूरत अमरावती एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें सूरत रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग सूरत शहर के बेगमपुरा इलाके में मौजूद सूरत सेंट्रल बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। सड़क परिवहन के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार सूरत सेंट्रल बस स्टेशन गुजरात के सबसे स्वच्छ और व्यवस्थित बस अड्डों में से एक है। ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा जैसे कई भारत के महानगर शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग सूरत शहर के मंगडला इलाके में मौजूद सूरत एयरपोर्ट शहर का इकलौता और प्रमुख एयरपोर्ट है। लगभग 770 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाद गुजरात का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है। सूरत शहर का यह एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, पटना जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। सूरत शहर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित है। शहर में बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग और हीरा पॉलिशिंग उद्योग स्थापित है। शहर के कुछ लोग दुकानों की नालियों से हीरे के चूरे को बीनने का काम करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। इसके अलावा सूरत शहर में कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जिनमें ONGC, SR स्टील, भारत पेट्रोलियम, अल्ट्राट्रैक सीमेंट, हीरो मोटोक्रॉप जैसी कई बड़ी इकाइयाँ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। सूरत शहर को गुजरात का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
अउरो यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। सूरत शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सूरत शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना सूरत शहर का भ्रमण अधूरा है। दुमास बीच। सूरत शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित दुमास बीच अपनी काली रेत के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ पर किसी जमाने में हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था, इसी कारण से यहाँ की रेत काली है। हालांकि दूसरी ओर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन की अत्यधिक मात्रा मौजूद है, जिस कारण से यहाँ की रेत काली है। समुद्री बीच के किनारे आपको कई सारे ऊंट और घोड़े भी दिख जाएंगे, जिनकी सवारी का आनंद आप महज कुछ पैसों को देकर उठा सकते हैं। सुबह व शाम को यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा मात्रा में संख्या देखने को मिलती है। डच गार्डन। सूरत शहर के नानपारा इलाके में मौजूद डच गार्डन शहर के प्रमुख गार्डनों में से एक है। अंग्रेजों की सरकार के दौरान यह गार्डन डच व अंग्रेज लोगों के लिए बनवाया गया था। गार्डन की डिजाइन यूरोपीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा यह गार्डन कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की झलक देता है। सुबह व शाम के समय पर्यटक यहाँ की शांति का अनुभव करने आया करते हैं। अमेजिया वाटर पार्क। सूरत शहर के मगोब इलाके में मौजूद अमेजिया वाटर पार्क सूरत शहर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। वाटर पार्क के अंदर कई सारी एडवेंचरस राइड भी मौजूद है, जिनमें किंग कोबरा राइड, ट्विस्टर राइड, फॉरेस्ट जंप राइड, कमी केज राइड मौजूद है। अगर आप भी अपने दिन का कुछ समय कुछ एडवेंचरस तरीके से बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आएं। सुबह व शाम को यहाँ पर लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए सूरत शहर के लोग बेसब्री से यहाँ पर आते हैं। सूरत का किला। शहर के चौक बाजार में स्थित सूरत का किला इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। किले का निर्माण 16वीं सदी के दौरान सुल्तान महमूद तृतीय के द्वारा करवाया गया था। बेहद खूबसूरती से बना हुआ ये किला किसी जमाने में महल के शाही परिवार का सुरक्षा कवच भी हुआ करता था। आज भी कई सारे पर्यटक इतिहास को वर्तमान में खोजने के लिए इस किले की सैर पर आते हैं। स्वामी नारायण मंदिर। सूरत शहर के वराछा रोड पर मौजूद स्वामी नारायण मंदिर सूरत शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर का निर्माण सन 1996 में बेशुमार गुलाबी पत्थरों के द्वारा किया गया था। भक्तों का मानना है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। सुबह व शाम को यहाँ पर भी भक्तों का तांता देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।